मून यानी कि हमारा चांद रात के आसमान में एक चमकदार गेंद की तरह प्रतीत होता है। ये हमारा चांद सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक आधार है उन लाखों लोगों के सपनों का जो अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाया करते हैं। हम सभी ने भी तो बचपन में इसे अपने मामा का दर्जा दिया है। इतना ही नहीं, ये चांद उन बेचारी लड़कियों का ख्वाब है जिनके प्रेमियों ने उनके लिए इसी चांद को तोड़कर लाने के वादे किए होंगे। खैर, ये सब तो रहे किस्से कहानियों वाली बातें, मगर ये चांद हमारे साइंटिस्टों के लिए सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक आस है जहां हम भविष्य में अपने घर बना सकें। इतना ही नहीं, हम इंसान इस चांद को एक स्पेस कंपटीशन सेंटर के तौर पे देखते हैं, क्योंकि हम इंसान इस चांद तक पहुंचकर अपनी काबिलियत को परखते हैं। कौन सा देश कितना काबिल है, वह कितना डेवलप हो चुका है, या उस देश के पास कितनी क्षमता है, इसी चांद को छूकर उसका पता लगाया जाता है। यूं तो हमारा चांद एक बंजर और वीरान धरती के जैसा दिखाई पड़ता है, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं है, मगर फिर भी हम इंसान इस पे बेहद अधिक इंटरेस्ट रखते हैं। इसे रहने लायक बनाने में वो हर संभव प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं जो हम कर सकते हैं। मगर दोस्तों, आज तक हमने जिस चांद के बारे में इतने किस्से कहानियां सुनी है, क्या आपको पता है वो चांद कैसे बना, उसकी सतह कैसी है, उसके अंदर कोर में क्या छुपा है? चलो आज इन सारी बातों को जान लेते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे सेट कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चांद का निर्माण आज से तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जब सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, तब हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक आग के गोले के समान प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आग के गोलों को उठाकर अंतरिक्ष में रख दिया हो। चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। हमारी धरती जो उस वक्त बनी ही थी और आग के धधकते हुए लावे के समान प्रतीत हो रही थी। तब हमारी धरती और मंगल ग्रह के बीच में थिया नाम का ग्रह हुआ करता था। उस वक्त सोलर सिस्टम नया ही था, इसी वजह से सभी ग्रह अपनी कक्षा में स्टेबल नहीं थे। थिया ग्रह भी इसी तरह अनस्टेबल होकर सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। एक दिन अचानक थिया ग्रह धरती से जा टकराया। धरती से टकराते ही धरती की ऊपरी सतह पूरी तरह से बर्बाद हो गई, साथ ही थिया ग्रह भी पूरी तरह से बिखर गया। इस टक्कर से निकला पदार्थ जो तकरीबन 81 मिलियन ट्रिलियन टन जितना पदार्थ अंतरिक्ष में चले गया। उस वक्त ये पदार्थ गर्म लावे के जैसा था और समय के साथ ग्रेविटी के कारण एकत्रित होने लगा और उससे हमारे चांद का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये थ्योरी कितनी सच है, ये तो आने वाले वक्त में चांद पर होने वाले रिसर्चों द्वारा ही पता लग पाएगा। दोस्तों, वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल 290 चंद्रमा है और हमारा चांद सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा चांद है और वही धरती का एकमात्र चांद है। हमारे चांद का डायामीटर 3476 किलोमीटर है। साइज के हिसाब से चांद हमारी धरती के मुकाबले एक तिहाई हिस्सा ही रखता है। चांद हमारी धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर रहकर धरती की परिक्रमा करता है। यूं तो चांद हमें बेहद नजदीक दिखाई पड़ता है, असल में चांद हमसे इतना नजदीक भी नहीं है। चांद हमसे कितना दूर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम धरती के जैसे ग्रहों को चांद से लेकर धरती के बीच में एक लाइन में रखें तो धरती और चांद के बीच में 30 पृथ्वियां समा जाएंगी। दोस्तों, चांद हमारी धरती के चारों ओर
3683 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की परिक्रमा करता है और इसे धरती का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिनों का वक्त लगता है। और वहीं चांद अपनी धुरी पर भी बेहद धीमी रफ्तार में स्पिन करता है। चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में भी तकरीबन 27 दिनों का ही वक्त लगता है। यूं कहें तो चांद का एक दिन और चांद का एक वर्ष दोनों एक समान होते हैं। दोस्तों, हमारी धरती तो सूर्य का चक्कर लगाती है, मगर चांद हमारी धरती के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। इसीलिए कह सकते हैं कि चांद पर दो वर्ष होते हैं, एक तो धरती का वर्ष जो 27 दिनों का होता है और एक सूर्य का वर्ष जो 365 दिनों का होता है। वैसे तो चांद गोल है, मगर कभी कभी चांद हमारी धरती से आधा ही दिखाई देता है। परंतु क्यों? दोस्तों, हमारे चांद का अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। हमारा चांद सूर्य की रोशनी के बदौलत चमकता है। जब चांद धरती के पीछे होता है तो चांद के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया सूर्य का प्रकाश सीधे हमारी धरती पर पड़ता है और चांद हमें गोल दिखाई देता है। मगर जब चांद धरती से समकोण बनाता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल में होता है, तो चांद हमें आधा ही दिखाई पड़ता है। और जैसे जैसे चांद अपने एंगल को बदलता है, उसी प्रकार चांद का आकार भी बदलता रहता है। दोस्तों, हमारे चांद का कोर चार भागों में बटा हुआ है, इनर कोर और आउटर कोर जो लोहे से बना हुआ है, और वहीं मेंटल कोर और क्रस्ट कोर जो मुख्य रूप से मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन से बना हुआ है। और वहीं चांद की सतह बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रेटरों से भरी पड़ी है, जो शायद चांद के निर्माण के बाद से लेकर अभी तक भी होते रहते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर खोजा गया है, जो है एटकेन बेसिन। चांद की सतह धरती के जैसे बिल्कुल भी नहीं है और चांद की सतह बेहद बारीक धूल मिट्टी से बनी हुई है, जो एस्टेरॉयडों के टक्कर से निकली धूल मिट्टी है। चांद के पास कोई भी वायुमंडल न होने की वजह से ये क्रेटर यूं ही बने रहते हैं। यूं तो एस्टेरॉयड धरती पर भी गिरते हैं, मगर धरती के पास वायुमंडल होने की वजह से ये एस्टेरॉयड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, चांद पर भी पानी बर्फ के रूप में खोजा गया है, मगर चांद के पास वायुमंडल न होने की वजह से पानी तरल अवस्था में नहीं रह पाता है। और हमारे चांद के पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, जो उसे सूर्य से आने वाले हानिकारक चार्ज पार्टिकल से बचा सके। और ना ही चांद के पास उसका कोई एटमॉस्फेयर है, इसीलिए चांद का दिन का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहीं चांद पर रात का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दोस्तों, हम इंसानों को चांद हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, और हम इंसानों की और अधिक जानने की इच्छा के कारण ही हम इंसानों ने चांद पर अनेकों मिशन किए हैं। और वहीं चांद पर अभी तक कुल 12 अंतरिक्ष यात्री जा चुके हैं। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा और चांद पर अपने कदमों की छाप छोड़ दी। दोस्तों, हमारे साइंटिस्टों द्वारा चांद पर कई अन्य मिशन भी किए जाने हैं, साथ ही कई ऐसे देश भी हैं जो इंसानों को फिर एक बार चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम चांद के बारे में और अधिक जान सकें और चांद को अपने रहने लायक बना सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए।